वही प्लान वगैरह बन गया कि कहाँ जाना है, बाद में बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। पर वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। रात को वॉकिंग करना में बहुत ज़रूरी है, जब 11:30 बज जाते हैं सब लोग सो जाते हैं तो सबसे अच्छा टाइम तभी मेरा होता है। मत पूछो कितना ज़्यादा मज़ा आता है, शांति आराम से जो सोचना है सोचो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता है। जैसे ही सुबह होती है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्लासेस करना है, ब्लॉग बनाना है, खुद को पढ़ाना है। पढ़ो पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो, हम तो आ रहे हैं तुमसे अभी बात करेंगे। WWDC जो एप्पल का इवेंट होने वाला था उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लॉन्च हुआ है, मेरे लिए काम का कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस उसमें हार्डवेयर आने वाला था, कुछ भी नहीं आया। मैकबुक प्रो M1X वाला आने वाला था, पता नहीं, अब सीधा सेप्टेम्बर इवेंट में शायद। तुमको दुनिया में यही बुक मिला ना, पावर ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, इसको लिखा कौन है, उसका नाम पढ़ के? नेविल गॉडर्ड। अच्छा, नेविल गॉडर्ड। पावर ऑफ क्या है वो? पावर ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होता है? नहीं पता। अवेयरनेस नहीं पता तुमको, लेकिन पावर ऑफ अवेयरनेस पढ़ना है। द राइट इन कॉन्शियसनेस नहीं, ये कॉन्शियसनेस है। खैर कोई बात नहीं, सब छोड़ो। ये बताओ कि अपना कोर्स का नहीं पढ़ रहे, मेरा बुक का पढ़ रहे? अच्छा बुक सब छोड़ो, तुम आज तुमसे सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। और ये जो तुम रेड टी शर्ट पहनते हो, मतलब मामा घर से 2-3 ही लायो क्या? कर कोई बात नहीं, हम भी तो ये रोज ये। सीरियस क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहते हैं कि जिंदगी में क्या करना है तुम, बस एक सीरियस जवाब बस दे दो तुम। मतलब क्या क्या लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है तुमको, कुछ सोचे हो? हम हमेशा जब सोचते हैं फिर पहले एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे नहीं हमसे नहीं होगा, छोड़ो बाद में देखेंगे, कुछ निकम्मे ही हो जाएंगे, निकम्मे ही रह जाएंगे, या क्या होगा हमको नहीं पता। क्या तुम सोचो, जैसे एग्जाम्पल, उसके बाद एकदम माइंड में वही बात घूमते रहता है, फिर जब कोई दूसरा टॉपिक एकदम बड़ा टॉपिक छिड़ाता है माइंड में तब जाके वो टॉपिक जाता है। बड़ा टॉपिक क्या छिड़ाया तुम्हारे माइंड में? हमेशा छिड़ाता है। अबे एक तो चीज बता दो, क्या तुम सोचे थे जो तुमको लगा बहुत बड़ा चीज, जो तुम सोचे नहीं कर पाओगे, क्या है ऐसा? हम तो सोचते हैं पोस्टमैन ही बन जाएंगे, उसमें भी हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। पोस्टमैन, इसी में तुम्हारा दिमाग एकदम हिल गया था ना? हाँ। पोस्टमैन में? हाँ। ऐसा क्या मतलब क्या मुश्किल लगा तुमको पोस्टमैन में? साइकिल चलाना? नहीं। धूप में ट्रैवल करना? नहीं। तो क्या मुश्किल लगा पोस्टमैन बनने में? और पोस्टमैन के अलावा कुछ? सैलरी मिलना। कम सैलरी? हाँ। तो तुमको पोस्टमैन बनना ही क्यों है, तुम ज्यादा सैलरी वाला कुछ ढूंढो, वो तो जैसे बन ही जाएंगे। तो तुमको कुछ भरोसा? बोलती है IAS होने तो हम बन जाएंगे। तुम सबसे पहले इंसान बन जाओ। तुमको अपने में क्या पसंद है करना ये बताओ। इंसान तो नहीं बन पाओगे, वो छोड़ के, वो सब तो खैर बहुत मुश्किल काम होता है आजकल, वो सब कोई नहीं है आजकल, IAS वाले लोग भी इंसान नहीं होता, पर कोई बात नहीं वो सब हटाओ। तुम सोचो कि तुमको क्या पसंद है करना लाइफ में। फ्री फायर अगर बोले, फ्री फायर खेलना पसंद है, बड़ी मारेंगे बेटा। फ्री फायर जल्दी जल्दी बताओ। फ्री फायर ही खेलना पसंद है, पर तुम डिलीट करवा दिया और मम्मा बोलिया कि अब नहीं खेलना। तुम ऐसा सोचो कि तुम बन के एकदम खुश हो जाओ पागल से, तो ऐसा क्या चीज तुम बनना चाहो, क्या तुमको पसंद है जो जिंदगी भर तुम कर सको? बहुत आदमी बहुत कुछ बन जाता है लेकिन उसके बाद उसको मजा नहीं आता, तो तुमको काम में भी मजा आना चाहिए। आफ्टर ऑल लाइफ अगर नहीं एंजॉय कर रहे हो तो फिर क्या फायदा? अमेज़न का मालिक जेफ बेज़ोस, वही बनना है तुमको। रिचेस्ट मैन या फिर बिल गेट्स भी हमको बनना है, या फिर एलन मस्क भी बन सकते हैं, या फिर एलन मस्क भी बन सकते हैं, या फिर एलन मस्क और या फिर बिल गेट्स, मतलब वो भी, मतलब वो जेफ बेजोस बनवा दो, अमेज़न का मालिक, एकदम सोफा का बन जाएगा, पैसा का सोफा बन जाएगा मेरे लिए। और पैसा से करोगे क्या तुम? हाँ? क्या करोगे पैसे से? अपना बेब्लेड खरीदेंगे, बेब्लेड खरीदेंगे। वो तो 500 रुपए में भी बेब्लेड आता है, उसके लिए तुमको 75,000 करोड़ चाहिए। 75,000 करोड़ नहीं, 25,000 बिलियन डॉलर्स। 25,000 बिलियन डॉलर्स? हाँ। यड़ा नतन, समझ गए, तुमको बेब्लेड के लिए चाहिए ना, ठीक है। जेफ बेजोस बेचारा अपना अकेला घर में बैठ के किताब तब बेचता था अमेज़न ओपन करके, उसके बाद 20% में वो बेचता। और तुम क्या करते हो तुम? पढ़ो श्रेयस, पढ़ो, अगर खुद से कुछ नहीं करोगे तो दुनिया जबरदस्ती कुछ ना कुछ करवाएगा, सोच लो, बता देते हैं तुमको। तुम हो ना, तो हम क्या कर लेंगे? हम क्या लड़की भगा के शादी करवा देंगे तुम्हारा? नहीं,
हम क्या करें? आईफोन दिखा के सबको चिल्लाई चलाओगे। आईफोन को बड़ा बात नहीं, सबके पास आईफोन होता है। आईफोन 11 नहीं होता है। आईफोन 11 कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत आसान है खरीदना, कोई भी खरीद सकता है। हम न्यूयॉर्क चले जाएंगे। न्यूयॉर्क तो चचा के लिए है ना तुम्हारा, तुम न्यूयॉर्क चले जाओगे। श्रेष्ठ तुम जो पढ़ोगे तो लाइफ में पढ़ो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा ये सलाह है कि तुम खुद अपने आप को स्टडी, अगर तुम माइंड का कैपेबिलिटीज और उसका पोटेंसी जान जाओगे कि माइंड क्या कर सकता है, तो लाइफ में तुम जो चाहो कर सकते हो। मेरे पास कोई पावर नहीं है सिवाय इस पावर के कि हम जानते हैं कि हम जो चाहो कर सकते हैं। बस इसी कॉन्फिडेंस से हम देवघर में रह के भी व्लॉग बनाते हैं, बहुत जल्द बाहर जाएंगे तो वहां भी व्लॉग बनाएंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि देवघर में बहुत ज्यादा हद से ज्यादा व्लॉग बन गया, पर धीरे धीरे बाहर जाएंगे। एक बात हम एकदम सच बोल रहे हैं, जल्दी बोलो, भी भूल चुके हैं और वो भी अभी नहीं, क्लास 1 में ही। वो तो हमको भी याद नहीं है। इसमें कौन सा बड़ा बात है, एक बार हमको दीदी सबके सामने पूछ दी थी, कौ गौ गौ वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ चौ चौ क्या क्या है बोलो। बस हम बोले अरे हाँ हाँ हेलो हेलो पहुंच रहे बात गए। बात तो एकदम सही है कि आजकल के बच्चों का सबका एकदम एक्साइटमेंट खत्म हो गया, वो वर्ल्ड को ऐसे नहीं देखते जैसे हम लोग क्यूरियोसिटी से देखते थे। एकदम बुढ़े जैसे तुम शेर से एकदम बात बात करते हो और कोई एक्साइटमेंट तुमने लाइफ में हमको दिखता नहीं है, ये बात सच है एकदम। तो चेहरा देख के लग रहा है कि जिंदगी से बोर हो चुके हो तुम, अब तुमको और जीने का मन नहीं है, है कि नहीं? बोर फीलिंग कर रहे हो कि नहीं, बोर हो कि नहीं? अरे छछुंदर यार, हम तुमको एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम उसका आंसर ढूंढो, फिर उसके बाद तुम जो बोलोगे हम तुमसे करवाएंगे, ठीक है? तुमको बस बताना है कि श्रेयस कहाँ पे है, बस इतना बता दो, तुम्हारा काम ओवर। श्रेयस कहाँ पे है बस तुमको ये बताना है, तुम बता दो। हम अपने सोल में है। बकवास, जूता सोल का बात नहीं करना है, चुपचाप जो जानते हो बस वही बताना है, ढूंढना है अपने आप को। बॉडी तुम्हारा इतना सारा यहाँ पे है, तुमको बताना है कौन से जगह पे हो, अपने सर पे हो, नाक में हो, कान पे, आंख में, पैर पे, या टोटल मिल के हो? ब्रेन में हो तुम। किधर? हम ब्रेन के अंदर है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो तुम ब्रेन के अंदर बॉडी कंट्रोल कर रहे हो? हाँ। तो हार्ट भी तुम ही चला रहे हो? चुपचाप बैठ के ढूंढ। लगता है श्रेयस को आज ज़्यादा ही थोड़ा सा डांट दिया, पर श्रेयस के थ्रू मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही सिर्फ आंख बंद करके लाइफ में मत रहो, कुछ देखते रहो, सुनते रहो, सीखते रहो, कुछ करते रहो। और एक अच्छी बात यह है कि मैं भी देवघर में रह रहा एकदम बोर हो चुका हूँ, तो अब मैं एकदम मतलब रहने में अजीब लग रहा है, मुझे कहीं बाहर जाना होगा तो वही प्लान वगैरह बन गया है कि कहाँ जाना है, बाद में बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। पर उसके लिए है कि थोड़ा सा एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, क्योंकि 7 डेज वहीं पे रहूँगा तो 7 दिन का व्लॉग वगैरह वहीं पे बनाना होगा, तो उसके लिए है कि यहाँ 7 दिन का काम निपटाना पड़ेगा, वो 7 दिन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करने पड़ेंगे, तो हो सकता है स्केड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो जाए, पर संभाल लेंगे और उसके बाद 7 दिन तक जाएंगे। अब कब जाएंगे तो 45 डेज वाला जो चैलेंज था वो जिस दिन ओवर हो जाएगा उसके एक दिन वक्त निकल जाएंगे, क्योंकि बाहर में तो ऐसा फूड मिलेगा नहीं जैसे कि जो मेरी बॉडी डिमांड करती है, वो ओवर होने के बाद चले जाएंगे। और उसमें दिन ही कितने बाकी है, ऑलमोस्ट अ मंथ, महीने तक किसी तरह बर्दाश्त करो, मुझे फिर कहीं और जाके बर्दाश्त करना पड़ेगा। विद दैट सेड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैनल पर नया आए तो वो बेल आइकन का बटन होगा वहाँ पे दबा देना, घंटी वंटी बजा देना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू टेक गुड केयर, बाय बाय।